बीते गुरुवार को असम के नगाव कार्बी आंगलोंग जिले की सीमा पर एक पहाड़ी पर 18 जंगली हाथियों के शव मिले हैं। वन विभाग ने जब मौत के कारणों का पता लगाया तो शुरुआती जांच में सामने आया कि ये मौत पहाड़ी पर बिजली गिरने की वजह से हुई है। असम के प्रधान मुख्य वन रक्षक अमित सहाय ने यह जानकारी दी कि यह घटना बुधवार को कुंडटोली रेंज में कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन के पास एक पहाड़ी इलाके में हुई है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि 18 हाथियों के शव दो अलग अलग जगहों से मिले हैं, जिनमें एक जगह में 4 हाथियों के शव और दूसरी जगह से 14 हाथियों के शव मिले हैं। वन विभाग के शीर्ष अधिकारी और पशु चिकित्सकों को घटना स्थल पर ले जाया गया और जाँच की गयी।